चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सलूम्बर सीट को लेकर कांग्रेस की बेताबी, महंगाई राहत शिविरों के जरिए वोटरों को साधने की कोशिश, गहलोत जल्द करेंगे दौरा। जी हां, पिछले दो विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सलूम्बर सीट पर हार रही है। मेवाड़ को साधने में जुटी कांग्रेस की निगाहें इस बार यहां हर उस सीट पर है जहां कांग्रेस पिछली बार जीत नहीं पाई थी। इसी कड़ी में सलूम्बर की सीट कांग्रेस के मिशन 2023 की रणनीति का हिस्सा है। वहीं पार्टी ने इसके लिए यहां अपने पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले दो टर्म में यहां से भाजपा के अमृतलाल मीणा जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। वहीं मिशन 2023 के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विशेष फोकस मेवाड़ बागड़ की सीटों पर है। इसी के चलते महंगाई राहत कैंप में खुद मुख्यमंत्री ने पहुंचकर जनसंवाद किया था। वहीं अब तक अपने दौरों में मुख्यमंत्री सलूम्बर तो नहीं आए, लेकिन बरसों पुरानी जिला बनाने की मांग पूरी कर गहलोत ने बड़ा दांव खेला। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 23 जून को प्रस्तावित कार्यक्रम की सूचना आई थी। यहां तक कि सभा स्थल को लेकर भी आला अधिकारियों का दौरा हो चुका था, लेकिन अब यह दौरा आगे के लिए टल चुका है। वहीं कार्यकर्ताओं को निर्देश है कि आगामी दौरे की सूचना आने तक महंगाई राहत शिविरों के जरिए गहलोत सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार युद्ध स्तर पर किया जाए। भाजपा के पास हैट्रिक का चांस और कांग्रेस की बेताबी मिशन 2023 में ये सीट कांग्रेस के लिए जरूरी हो गई है। पहले यहां से कांग्रेस के रघुवीर सिंह मीणा और उनकी पत्नी बसंती विधायक बनकर विधानसभा पहुंची थी, लेकिन पिछले दो विधानसभा चुनाव 2013 और 2018 में भाजपा के अमृतलाल मीणा जीते। अमृतलाल ने एक बार रघुवर को और एक बार बसंती को हराया था। कांग्रेस अब चाहती है कि यह सीट फिर से उनके कब्जे में आए। वहीं कांग्रेस पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनावों में भी इस सीट के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। 2018 में इस सीट पर प्रचार के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहां आए थे। तब बताया गया था कि पार्टी इस सीट को लेकर गंभीर है और प्रत्याशी रघुवीर सिंह मीणा यहां से सीट निकाल सकते हैं। यह अलग बात है कि मीणा तब वह चुनाव हार गए थे। गहलोत अपनी रणनीति के तहत मेवाड़ बागड़ की एक एक सीट पर पूरी नजर बनाए हैं। इसी क्रम में वे अब पूरा जोर लगा रहे हैं कि सलूम्बर में अच्छी मेहनत की जाए, इसलिए बजट में सलूम्बर का खास ध्यान रखा गया है। सबसे बड़ी बात जिले की घोषणा करना, कलेक्टर व एसपी के लिए अधिकारी लगा दिए और आरटीओ कार्यालय भी यहां दे दिया गया है।